ਸਟੇਸ਼ਨ ਯਾਰਾਂ ਦਾ 9X ਸਟੇਸ਼ਨ ਯਾਰਾਂ ਦਾ ਪੋਡਕਾਸਟ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਵੈਲਕਮ ਟੂ 9X ਸਟੇਸ਼ਨ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਯੰਗ ਵੀਰ ਐਂਡ 9X ਸਟੇਸ਼ਨ ਯਾਰਾਂ ਦਾ ਪੋਡਕਾਸਟ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਘੈਂਟ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵੈਲਕਮ ਹੈ। ਕੱਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਸੁਣਿਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁੜੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਰਾਧਾ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਮੋਹਨ ਲੱਭ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਆਲਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉੱਧਰ ਬਲਬੀਰ ਕਪੂਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਮੂਵ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਵ ਹੋਈ, ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਫਸੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਰਾਧਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਹਨ ਨਾਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੋਹਨ ਨੂੰ ਲੱਭ ਰਹੀ ਆ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਉਹ ਮੋਹਨ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਘਰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕੁੜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਚਪਨ 'ਚ ਵਿਛੜੀ ਹੋਵੇ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਅਸਲੀ ਟਾਈਮ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਉਸ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਰਾਧਾ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰ ਰਹੀ ਆ ਆਪ ਮੋਹਨ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਮੋਹਨ ਦਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਨਾ ਜਾਣ ਦਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਮੈਂ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਯੰਗ ਵੀਰ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮੋਹਨ ਹੈ। ਵੈਲਕਮ ਟੂ 9X ਸਟੇਸ਼ਨ ਯਾਰਾਂ ਦਾ ਪੋਡਕਾਸਟ ਐਂਡ ਮੈਂ ਆਪਕਾ ਯੰਗ ਵੀਰ। ਔਰ ਆਜ ਹਮਾਰੇ ਸਾਥ ਜੋ ਆਰਟਿਸਟ ਹੈ ਵੋ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਹਮਾਰੇ ਸਾਥ ਮੁੰਬਈ ਸੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਔਰ ਉਨਕੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕੁਛ ਸਪੈਸ਼ਲ, ਆਪਕੋ ਪਤਾ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੇ ਲਿਖੀ ਹੋਤੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੋ ਕਹਿਤੇ ਹੈ ਕਿ ਇਨਕੇ ਗਾਨੋ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇ, ਇਨਕੇ ਗਾਨੋ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇ ਆਤੀ ਹੈ ਆਸ਼ਿਕੋ ਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ, ਹਮਾਰੇ ਸਾਥ ਧਵਨੀ ਬਾਨੁਸ਼ਾਹੀ। जितना इनको देखते रहो इश्क होता है और भी ज्यादा, हमारे साथ मोहन की राधा। अरे रे 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 रे, क्या शायरी मारी है, बहुत क्या शायरी मारी है। हाय धवनी, वेलकम टू 9X स्टेशन यारां दा पॉडकास्ट। कैसा लग रहा है पंजाबी बंदे के साथ बात करके सीधा? बहुत अच्छा लग रहा है, आपकी एनर्जी अलग होती है। आई फील लाइक ऑल पंजाबीज हैव नेक्स्ट लेवल एनर्जी, आई रियली लव टॉकिंग टू। तो सबसे पहले राधा गाने के लिए आपको बहुत 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 ज्यादा कॉन्ग्रेचुलेशन। व्हाट अ परफॉर्मेंस, क्या डांस किया है आपने और क्या म्यूजिक है, क्या गाया आपने। सो उसके बाद वाली, आफ्टर रिलीज वाली, और ये ट्रेंडिंग में भी चल रहा है सारा कुछ, तो इसके बाद वाली फील कैसी है, सबसे पहले उसके बारे में बताएं। ये फीलिंग बहुत अच्छी है। आई फील मुझे गाना रिलीज होता है उसके बाद थोड़ी सी एंग्जाइटी होती है कि ये लोग कैसे रिएक्ट करेंगे, जो आज हो रही है। बट टिल नाउ तो लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। मैं जिससे भी, मुझे जीशान कह रहा था कि उसकी रात में उसको वो मेलेडी आ रही है, उसके सपने में उसको वो गाना याद आ रहा है। तो ये अच्छी बात है कि लोगों को यू नो रिकॉल वैल्यू ऑलरेडी आ रही है, एक ही दिन हुआ है, विच इज गुड। एंड 24 आवर्स, 24 आवर्स हो गए। वैसे तो मेरा नाम यंग वीर है, लेकिन आज पूरे इंटरव्यू में आपने मेरे को मोहन कहना है। ओके ठीक है, मैं आपको मोहन बोलूंगा। सबसे पहले मतलब गाने की सिलेक्शन की बात करते हैं। आपके जितने भी गाने होते हैं, मतलब मैंने एक चीज देखी है कि आप बहुत सिलेक्टेड काम करते हैं ना, बहुत हर चीज के लिए प्रॉपर तैयारी करते हैं। मैं आपकी स्टोरीज देखता हूँ, जिम विम सब कुछ टाइम पे चल रहा है ना। सो इतनी ज्यादा तैयारी करने के बाद कंटेंट सिलेक्शन को लेके कितना ज्यादा प्रेशर होता है आप पे? सो गाना के आई थिंक बेसिकली व्हेन आई कम इनटू द पिक्चर, सो स्क्रैच से गाना बेसिकली बनता है मोस्टली। एंड राधा वॉज मेड लाइक दैट। एंड तो ऑलवेज आर्टिस्ट को मद्देनजर रखते हुए गाने बनते हैं, यू नो, क्योंकि सिंस इट्स पॉप और उसी हिसाब से उनकी ऑडियंस होती है। तो यू नो, इवन व्हेन यू हैव टू सी कि आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है, लोगों को क्या पसंद आएगा, और ऑल्सो एट द सेम टाइम आई सी कि मुझे क्या पसंद आ रहा है और वेयर आई एम एट यू नो इन लाइफ। तो उसी के हिसाब से हम गाने चूज करते हैं। एंड बेसिकली राधा का स्टोरी थोड़ा डिफरेंट है। मैं गई थी वघानी के स्टूडियो में, अभिजीत वघानी है, कॉलम वघानी। तो मैं वहाँ गई थी और वहाँ यू नो आई वाज लाइक चल कुछ डिफरेंट गाना करते हैं, मतलब थोड़ी चुल मच रही है तो कुछ अलग करते हैं। सो देन ही स्टार्टेड मेकिंग लेइंग द ट्रैक्स डाउन, और उसके बाद यू नो ही सेड चल
मैं थोड़ी मूड लाइटिंग करता हूँ तो लिखना चालू कर सो आई स्टार्टेड राइटिंग एंड देन उसके बाद कुणाल सर जो है जो इस गाने को लिखा है जिन्होंने he came into the picture and he sort of it to corrected my words mera jo ideation tha unhone properly usko bithaya aur you know he wrote the song and this is how Radha was made. It was a very fun process. Phir hum Karan ke paas gaye, unhone itna acha video banaya which was only centered on Radha which is me and isme koi aur story nahi hai, ye bas ek expression of love hai ki Radha apne Mohan se kitna pyar karti hai, wo bas ye kehna chahti hai is gaane ke zariye. Radha title sunke aapko ye nahi laga tha ki ye gaana Janmashtami pe aayega? Kya yaar, kyun mere birthday pe kyun nahi aa sakta? और बिलेटेड हैप्पी बर्थडे वो कहना भूल गया, आपने खुद ही याद करवा दिया. बहुत बहुत मुबारक आपको अपने जन्मदिन की और आपने एक नई गाड़ी ली है उसके लिए भी बहुत बहुत कांग्रेचुलेशंस. आपको भी पता है, थैंक यू. मुझे तो बहुत अच्छी लगती है सुबह सुबह. तो मैं इससे पहले मेरे पास होंडा सिटी थी 7 साल से. सो बट मैं एक्चुअली मुझे एडमिट नहीं करना चाहिए था, सॉरी. तो मैं 18 साल की थी, एक्चुअली मैं 17 साल की थी तभी मैंने गाड़ी ली थी. एक्चुअली मेरे डैड ने मुझे ये दिलवाई थी. 18 के थे या 17 के थे, ये अंदाजा लगा लो. ये मैं 17 की थी क्योंकि अलाउड नहीं है इसलिए मैं कमिट नहीं कर रही थी. मुझे एक छोटी सी गाड़ी लेके दी थी सो दैट मैं हर जगह पहुंच पाऊं टाइम पे, यू नो. तो इट वॉज वेरी, मतलब 50% फिर भी मेरे you know papa ne sort of help kiya mujhe but at least I was happy that you know I could literally put in my money on something as my first car and I'm really happy. kya baat hai. aur dhvani ek cheez hoti hai jab aapka pehla dusra gana hi itna bada hit ho jaye hai na waaste matlab billion kya baat hai na. to jab itna zyada hit ho jata hai gana uske baad wale agle gaane karne ke liye na aapko bahut zyada sochna padta hai. to aap sochna padta hai bro ye sochne ke liye. I'll put you in that situation. अगर आपका गाना इतना हिट हुआ हो तो आप फिर बाद में क्या करेंगे? मैं तो पहले 2 महीने ब्रेक लूंगा. नहीं, मैं ब्रेक नहीं ले सकती. मुझे अच्छा नहीं लगता घर पे बैठना बिल्कुल. सो मुझे मतलब मेरे थॉट्स खा जाते हैं. हमने मैं काम नहीं कर रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ घर पे. So, वो बिलियन हुआ एंड एट द सेम टाइम वी स्टार्टेड वर्किंग ऑन सॉन्ग्स. बट यू नो शोली एक ही हो सकती है. बट मेरे पास टाइम है, 15 साल है मेरे पास. एक्चुअली मोर देन दैट अगर ब्लेसिंग्स रही ऑडियंस की और भगवान की. तो अभी तो मैं अभी तो पार्टी शुरू हुई ओनली 20s में. हाँ, अभी तो चालू किया मैंने करियर अपना. तो आगे लंबी रेस है मेरी. बट हर गाना बिलियन नहीं हो सकता उतना मुझे पता है. बट हर गाना अच्छा हो सकता है. तो वही मैं ट्राई कर रही हूँ. लोगों के फोन में अगर आपका गाना रह जाता है, वो पूरी जिंदगी उसको अपने साथ रखते हैं, वो भी बड़ी बात होती है. वो बिलियन बहुत बड़ी बात होती है ना. वो फिर द बेस्ट पार्ट इज की जब लोग गाना सुनते हैं और बोलते हैं हमको वो गाना याद है, वो आर्टिस्ट के लिए सबसे बड़ी बात होती है. रिकॉल वैल्यू अगर ऑडियंस के पास हो you know, उस गाने की. मेरे को याद है ले जा रे गाना आया था तो तब से ही मतलब ऑब्वियसली मतलब आपने इतना अच्छा काम किया था अपनी लुक्स पे भी, अपने एक्ट पे भी, अपने डांस पे भी. मतलब वहीं से आपने स्टार्ट किया और आपको बहुत सारी टेंशन मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं ये जरूर होता है माइंड में मैं इस गाने में कुछ ना कुछ डिफरेंट करूँ, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा करूँ, है ना. तो राधा गाने में वो चीज देखने को मिली. जिमिंग प्रॉपरली करते हो आप, टाइम पे सब कुछ चल रहा है ना. लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि स्केड्यूल से थोड़ा सा भागने का दिल करता है आपका भी? नहीं यार, मुझे बहुत मजा आता है. आई लिव फॉर दिस, यू नो. मुझे बहुत थ्रिल मचती है जब मुझे मेरा काम अप्रिशिएट किया जाता है. मुझे कभी ऐसा नहीं लगता कि मैं कहीं भाग जाऊं अनलेस यू नो. नहीं, अभी तक तो मुझे ऐसा नहीं लगा कि मुझे कहीं भागना चाहिए. मुझे लगता है कि मुझे यहीं रहना चाहिए. मुझे हर बार एक अच्छा गाना करना है जो लोगों के दिल में बस जाए. बस मुझे काम करना है, मुझे कहीं नहीं जाना है. बहुत सारी ऐसी लड़कियां जो मतलब अपनी इस चीज से बहुत परेशान है कि हम स्लिम नहीं हो रही, वो आपसे आपका डाइट प्लान पूछना चाहती हैं. स्लिम नहीं, मैं भी परेशान हूँ. मैं भी कभी कभी देखो, अभी आज गोलगप्पा हो गया है, कल फिर से हो जाएगा एकदम. तो
मतलब फिर मैं अनिल कपूर बन जाऊंगी, मतलब आपके साथ कभी उनका उनका भी फेस मोटा नहीं होता है. I've seen this about boys, like they never bloat. Like Zeeshan, do you bloat? Do you bloat? No, na. I think women look different on a daily basis, but it's a good thing. Also, at the same time, don't complain about your bodies. Just be happy. And एक दिन आप पतले लगोगे, एक दिन आप मोटे लगोगे, कुछ फर्क नहीं पड़ता. लेकिन जब वीडियो का शूट होता है तब थोड़ा प्रेशर होता है ना, जब वीडियो का शूट होता है तब तो थोड़ा प्रेशर होता है ना कि कम खाना है, स्क्रीन पे अच्छा दिखना है, कुछ ऐसा. यस, मैं ना क्या पहले मैंने बहुत ट्राई किया कि मैं स्टार्व करती थी अपने आप को. मैं खाती ही नहीं थी. आई वुड नॉट ईट एंड आई थिंक दैट्स वेरी डेंजरस ऑन अ सीरियस नोट. उसके बाद आई मेट दिस अमेजिंग ट्रेनर, हिज नेम इज हैरिसन, एंड वो कहते हैं कि जो खाना है घर पे खाओ. एंड वो मुझसे बहुत वर्कआउट कराते हैं. And I got into functional, so उसके चक्कर में मेरा बॉडी अभी बेटर हो रहा है एंड मेरा पीसीओडी कम हो गया. अच्छा ध्वनि, आपने बहुत सारी फीचरिंग्स, मतलब करियर के स्टार्ट में ही अरिजीत के साथ गाना आ गया है ना, नेहा कक्कड़ एंड मतलब जितने भी आर्टिस्ट थे, बड़े आर्टिस्ट, उनके साथ आपने काम कर लिया. तो अभी इंटरनेशनल लेवल पे सोच जो है वो तो आपकी पहले से ही है ना, मेरे को लगता है आपके काम देख के. तो अभी ये बताओ इंटरनेशनल लेवल की जो कोलैबोरेशंस हैं वो उनका क्या प्लान है? उनका प्लान सर, वहाँ पे थोड़ी चीजें अलग चलती हैं तो थोड़ा टाइम लगता है. बट डेफिनेटली आई फील इन द कमिंग वन और टू इयर्स आई विल डू वन 100%. ओके, और एक चीज आपसे मैं ये पूछना चाहता हूँ, जैसे बहुत सारे मतलब लड़कों में भी आदत होती है, लड़कियों में तो होती है कि मतलब उनको कुछ ना कुछ, आप खुद ही हंसते हैं, आप क्वेश्चन पूछते हैं उसके पहले हंस देते हैं. मैंने कहा क्या फनी चीज हो रही है. मतलब कुछ ना कुछ मतलब आपके दिमाग में चलता रहता है, फॉर एग्जाम्पल कि आपकी ड्रेस कैसी लग रही है ना, आप हाँ. कैसे दिख रहे हो, या हाँ. आपने फोटो डाली उस पे कितने लाइक्स हो गए, कितने कमेंट्स हो गए, कितने व्यूज हो गए. आपको भी ऐसा, आप भी करते हो सब? हाँ, मतलब मेरे साथ मतलब सारी चीजें नहीं होती, लेकिन वो कमेंट व्यूज वाली चीजें तो चलो होती है, आर्टिस्ट है ना. तो आपके साथ भी ये चीजें प्रॉपरली होती है, मतलब आप भी देखते हो लाइक्स? मुझे भी ऑफकोर्स, मतलब ये तो हमारा बिजनेस है ना एट द एंड ऑफ द डे. सो आर्टिस्ट आदि मतलब इसी से तो यू नो हमारी गाड़ी चलती है. सो लाइक्स और कमेंट्स तो वो चेक तो करना कि लोग क्या कह रहे हैं आपके बारे में, ऑलवेज जानना तो जरूरी होता है. और उसी के हिसाब से अगर कुछ कंस्ट्रक्टिव हो तो वो हम चेंज कर सकते हैं, वो हम सुधार सकते हैं. सो आई तो फील के बहुत जरूरी है, बट इतना भी मत देखो कि फिर यू नो सेल्फ डाउट होने लगे क्योंकि मेरे में कोई कमी है. कुछ नहीं है मेरे में. मेरे कभी कभी क्योंकि कमेंट्स के चक्कर में ऐसा होता है, लोग इतना खराब कुछ लिख देते हैं, फिर ऐसा होता है कि यार इनको आता क्या है, मेरे को बताओ. और कभी कभी कोई पोस्ट से ऐसा होता है कि आप भगवान हो. तो इतना मतलब कुछ इतना सीरियसली मत लो, इज व्हाट आई वांट टू से. सक्सेस भी सीरियसली इतना मत लो, और यू नो जो आपके डाउन लोज है उसको भी इतना सीरियसली मत लो, बस काम करते रहो, गाड़ी चलनी चाहिए. बिल्कुल. और मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ, जैसे बहुत सारे आर्टिस्ट जिनके साथ आपने काम किया है ना, हर एक आर्टिस्ट अपने फील्ड में मास्टर है ना, तो लेकिन उन सब आर्टिस्टों में से सबसे ज्यादा काम करके किसके साथ मजा आया, और इंस्पिरेशन जो थी, मतलब इंस्पिरेशन जो होती है, मतलब अंदर से आता है कि मेरे को और अच्छा करना है आने वाले दिनों में, वो इंस्पायर आप किससे हुए सबसे ज्यादा? आई थिंक मैंने सबसे कुछ ना कुछ सीखा. जब मैंने दिलबर किया तब तनिष्क से बहुत सीखा इन टर्म्स ऑफ वो कैसे अपना म्यूजिक बनाते हैं. यू नो वो मतलब ही वुड जस्ट सिट ऑन द सिस्टम एंड इन 20 मिनट्स ही वुड हैव लेड अ ट्रैक. और वो कितने अच्छे टेक्नीशियन हैं, मैंने उनसे बहुत उनको देख देख के सुन सुन के बहुत सीखा. एंड वेन यू नो यू हियर नेहा कक्कर, आई फील लाइक शी इज फिनोमिनल. उनकी एनर्जी बहुत कंटेजियस है. एंड नोरा ऑल्सो एट द सेम टाइम. देन गुरु आई थिंक इज अ वेरी 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 फन गाय. एंड आई थिंक उनकी लाइफ बहुत सॉर्टेड है, ही डजंट थिंक टू मच. सो मैंने उनसे वो सीखा, वो बहुत मोटिवेट करते हैं. आई फील लाइक अरिजीत सिंह इज सो वर्सटाइल, वो अपना ही म्यूजिक करते हैं और जो मुझे बहुत अच्छा लगता है उनके बारे में. एंड ऐसे लंबी लिस्ट है यार लोगों की, बहुत टैलेंटेड आर्टिस्ट हैं हमारी इंडस्ट्री में, और यू नो उनसे बहुत सीखने को मिलता है.
अच्छा जिमिंग के बारे में तो हम सबको पता है, लेकिन गाने के अलावा और कौन कौन सी चीजें हैं जिसमें आपका बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, आप करना चाहते हो और उसको बड़े लेवल पे करना चाहते हो? मुझे गाने गाने अच्छा लगता है, मुझे बड़ा पॉप स्टार बनना है ब्रो मुझे वही करना है, मेरा और कोई ड्रीम नहीं है। मुझे मुझे मलूमा के साथ कोलैबोरेट करना है वेरी सून। मतलब आपको पता है मलूमा कौन है? मलूमा के बारे में मेरे को मालूम नहीं है You should check him out. He's so crazy. वो इतने अच्छे लगते हैं. I feel the Spanish pop industry is so amazing. इतना inspiring है. And उनके videos बहुत सुंदर होते हैं. So मुझे एक इस साल you know उनके साथ collaborate करना ये मेरा wish है. और ये wish जरूर पूरी होगी क्योंकि आपके dance moves हमने देखे हैं, वो हैं उस तरीके के और आप वो deserve करते हो कि आप है ना। अच्छा ये मतलब वैसे पूछना चाहूंगा कि आपकी आवाज इतनी मीठी है, घर वाले आपको दूध में चीनी चुनी डाल के देते हैं कि ऐसे फीका ही दे देते हैं कि कोई नहीं मुंह में जाके मीठा हो ही जाएगा? मेरे मुंह में शक्कर डालते? नहीं मैं शक्कर नहीं खाती। वेरी सैड आंसर, आई एम सो सॉरी। नहीं मुझे घर वाले मेरी मॉम कहती है कि तू बहुत गुस्से वाली है, मुझे मीठा नहीं समझते स्टार्टिंग से, मुझे मीठा नहीं समझती। और मेरे डैड नहीं यार ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है जो आप कह रहे हैं, मेरे घर में ऐसा कॉन्सेप्ट ही नहीं है, उनको कुछ ऐसा लगता नहीं है, वो बस मुझे मैं उनकी बेटी हूँ बट वो बहुत स्ट्रिक्ट है वैसे तो उनको ऐसा वो मेरे को सिर पे नहीं चढ़ाते कि तू बहुत मीठी है तो दूध में डाल के दे रही है तो सब मीठा हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच सोनी, बहुत अच्छा लगा बातचीत करके। मेरे को लगता है कि मतलब जब भी मतलब हम किसी ऐसे आर्टिस्ट के साथ बात करते हैं जो नेशनली बहुत ज्यादा हिट होता है, वो उसके बारे में बहुत सारी ऐसी चीजें पता चलती हैं जो नॉर्मल इंटरव्यूज में नहीं पता चलती। तो थैंक यू सो मच वो सारी बातें हमारे साथ शेयर करने के लिए। राधा मिलियन बिलियन उससे भी ज्यादा जाए, क्या बात है। अभी एक लाइन बनाता हूँ, मिलियन बिलियन और उससे भी जाए ज्यादा, बेस्ट विशेज फॉर राधा। थैंक यू माई मोहन, उपर लैंड होवे इथों ही मैनूं पिक करे सीधा बॉम्बे छड्डे, क्योंकि इथों जदों एयरपोर्ट जाना पैंदा ना टच टूच चुके, वह मैनूं कितें ना कितें अपनी शान दे अपने टशन दे खिलाफ लगदा है। सो थोड़ा जिहा मैनेज करो इस चीज़ नूं अपनी जिंदगी जवाब सुने हैं। तो मिलते हैं जी अगले वीक, कीप वॉचिंग 9X सेशन, टशन यारांदा, टशन यारांदा, 9X सेशन यारांदा पॉडकास्ट।